क्या करना पड़ेगा बदबू जाने के लिए? डस्टबिन पहले बाहर कर दे, फिर सिंपल पोछा के लगा देंगे तो क्या होगा, खुशबू आ जाएगी। तो बात क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि अंदर की गंदगी को निकालने की कोशिश करें। जब तक आप अंदर की गंदगी को निकालेंगे नहीं, अंदर के डिजीज को आप देखोगे नहीं, अगर अंदर के डिजीजेस नहीं क्लियर कर सकते तो कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है ये जो सिराजी दोनस में कौज का बीज है, इसको हमें क्या करना है, देना है। और हम उसको दे रहे हैं इसका मतलब रिमूवल है कि प्रॉब्लम इसकी ठीक हो जाएगी। प्लस में कौज के बीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक है वो है नर्व्स डिजीज के। अब देखिए आपको पता है कि फीमेल में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। आपने देखा फिट्स के दौरे, देखिए आपने कभी देखा बिल्ली के दौरे सबसे ज्यादा किसको पड़ते हैं? लड़के को। तो अगर हम नर्व्स के लिए टोनिंग दे दें उसको, नर्व्स के लिए अगर हम टोनिंग दे दें उसको, तो आप ये सोचो जिसका नर्वस सिस्टम ठीक है, और नर्वस सिस्टम किससे कंट्रोल रहता है, ब्रेन से, दूसरे से रिलेटेड होता है हार्मोन्स और नर्व्स। अगर नर्वस सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज होंगे, और अगर आपके हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज होंगे तो आपको पता है लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। आम बात आपने सुना होगा डॉक्टर के मुंह से, इस लेडीज को तो हार्मोनल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए आप अगर कौंच का बीज दे रहे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्लस में कौंच के बीज के साथ एक और खास बात होती है, जेंट्स में भी बहुत यूज करते हैं, कौंच के बीज से स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। तो फर्स्ट कौंच का बीज जो आपकी बॉडी में इस्तेमाल होता है और क्या यूज है पता लग गया। दूसरा क्या है? कमल मटर। कमल मटर, हाँ। अब कहते हैं इसका क्या काम आपके होता है, अगर बहुत सारे लोगों में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्या लेडीज में ये प्रॉब्लम पाई जाती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की? अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो इसका कॉज कई सारा हो सकता है। हो सकता है फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड पता है आपको, फॉलिकल्स वगैरह बनते हो, फॉलिकल साइज बड़ा हो गया, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अब आपके पास एक केस आ गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, आपके दिमाग में आज से पहले क्या प्रोडक्ट था? नोनी होती है ना, कि नोनी हार्मोन्स भी बहुत कंट्रोल करती है। तो एक आपके पास एक प्रोडक्ट और आ गया, और आपके दिमाग में आ गया कि एक चीज हम इसको और दे सकते, ठीक है। इसके बाद ये आपके हार्ट के लिए क्या होता है, टॉनिक होता है। हार्ट के लिए बेहतरीन टॉनिक है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वो क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है। अब तीसरा क्या है, अब केसर के बारे में आपने सुना है, सुना है कभी? क्या करता होगा सोचो, बहुत महंगा आता है, ब्यूटी में सुना है। केसर के अंदर जो तीन चीजें पाई जाती है, रोसिन, ये तीन केमिकल पाए जाते हैं केसर, क्रोसिन पाया जाता है, क्रोसिटेन पाया जाता है, और कैरोटीनॉइड पाया जाता है। केसर में तीन केमिकल पाए जाते हैं, और तीन केमिकल पाया जाता है, और तीनों केमिकल का बेहतरीन इस्तेमाल होता है एज एंटी कैंसर। तीसरा कैरोटीनॉइड, और ये आपके आईज के लिए बेहतरीन चीज होती है। अगर आपके आंखों की प्रॉब्लम है तो आप ये दीजिए, आपकी आंखों में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाए। अब सोचिए शिलाजीत ओजस हम देख किसके लिए रहे, आंखों में, आंखों की प्रॉब्लम। अब आंखों की प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं, आपको पता है कई सारे डॉक्टर से पास जाते हैं, आपको कहते हैं आंखों की नर्व कमजोर होगी, नर्व कमजोर हो गई तो हमारे पास इसके साथ और क्या जा रहा है, कौन सी डबल काम है,
है केसर से सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर केसर आप किसी को देते हैं, अगर प्रेगनेंसी में भी अगर आप केसर देते हैं तो उसके यूटेरस वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जो बच्चा पैदा होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाता है, अगर ब्यूटी में देते हैं। समझ आ गई? तो ये आपका ये तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसके अंदर केसर के अंदर के इंग्रेडिएंट बता रहा हूं, केसर के अंदर क्या होता है और उससे आपको क्या इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? निर्भीषी। निर्भीषी क्या नाम से कुछ पता लग रहा है? निर्भीषी क्या पता लग रहा है? देखिए हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग आने लगी है इसका, किसी भी तरह के विष को निकाल दे बॉडी से, किसी भी तरह के विष को अगर बॉडी से निकाल दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्विष। आप कमाल की बात है, आप हैरान हो जाओगे अगर ठीक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। सोच के देखिए अगर इस तरह का कोई आतंकवादी आपके पास आ जाता है जो एड्स से सफर कर रहा है, उठा के दे दीजिए। कोई भी घाव रिकवर नहीं हो रहा, कोई भी घाव है वो जा ही रहा उसकी बॉडी से, ठीक ही नहीं होता। आप देख लीजिए, अब सोचिए इसका ही इसको कहते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं? नॉलेज। नॉलेज का ये फायदा होता है। अब सोचिए कि एक चीज को आप कैसे देख रहे थे, एक चीज को आप कैसे देख रहे थे। प्लस में इसमें सबसे बात होती है निर्विष होने के कारण टॉक्सिन्स को निकाल देता है और आपका मेंस्ट्रुएशन को क्या कर देता है? रेगुलर। और मेंसेस रेगुलर अगर हो गए तो फिर क्या होगा? प्रेगनेंसी हो जाएगी कि नहीं होगी? तो ये चीज आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि निर्विष जो है इसका काम क्या होगा। अभी जो मैंने चीजें बताई वो आपके दिमाग में बैठी? जी। मैं एक बार रिपीट करूं, पौच का बीज क्या करता है? डबल गट्टा क्या करता है? हार्ट टॉनिक। केशव क्या करता है? एंटी। सतावली क्या करता है? अभी हम आपको बता रहे हैं सतावली। अब सतावली के बारे में आप लोगों को पता है सतावली क्या होती है? बेस्ट इन प्रेगनेंसी। हम लोग नॉर्मली प्रेगनेंसी टाइम में चीजों को मना करते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेना, ये नहीं करना, जबकि इसके अंदर तीन ऐसे चीजें डली गई जो प्रेगनेंसी में जबरदस्त था, उसमें से एक आपका क्या है? सतावली। अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम सतावली का इस्तेमाल कराते हैं तो उसका यूटेरस बहुत मजबूत हो जाता है, बच्चे को होल्ड करते हैं। सबसे खास चीज सतावली लेडीज की, अगर उसको मेंस्ट्रुएशन ट्रबल है, कैसे भी मेंस्ट्रुएशन ट्रबल है, आप सतावली दीजिए, रिकवर होना शुरू होता है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मतलब लेडीज के लिए अगर मैं सिंगल हर्ब कोई ढूंढूं, तो सिंगल हर्ब अगर मैं कोई ढूंढूं तो शायद आप सतावली से बढ़िया कोई नहीं। प्लस में किसी भी तरह का फीवर हो जाए नहीं ठीक हो रहा, अब सिमरा जी ओजस गोल्ड आप दे दीजिए, फीवर रिकवर हो जाए। प्लस में स्टोन को रिमूव करता है, अग्री रिनल स्टोन को निकाल देता है, किसी भी टाइप की किसी भी टाइप में साइज क्या है नहीं है वो फिर थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन अगर आप इसको देते रहते हैं। हम लोग सप्लीमेंट नॉर्मली हम लोग इसमें वर्क करते हैं सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है?
और मेडिसिन का मतलब क्या होता है, इस बात को दिमाग में क्लियर कर लीजिए, सप्लीमेंट क्या होते हैं और मेडिसिन क्या होता है। औषधि हम ठीक हैं, हाँ हम ठीक हैं, स्टोन नहीं है हमें और हम इसको ले रहे हैं तो मतलब स्टोन नहीं हो। लेकिन अगर आपको स्टोन है तो उस सप्लीमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, डोजेस बढ़ाने दवाई की तरह। अगर आप डोजेस बढ़ा देंगे तो वही सप्लीमेंट, जैसे नोनी, आप नॉर्मली नोनी को क्या करते हैं, टू टाइम्स आप 10 ml लेते हैं, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा 10 ml लेते हैं, सुबह ले लिया 10 ml, शाम को ले लिया। लेकिन अगर ये सप्लीमेंट ठीक है, लेकिन जब आप इसको एज ए मेडिसिन लेते हैं तो आपको फिर खुराक बढ़ाना पड़ता है, 30 ml 30 ml 30 ml पे लेना पड़ता है। तो एक ही चीज सप्लीमेंट है, एक ही चीज मेडिसिन। सप्लीमेंट वो है तो आपको होने नहीं देगा, अगर हो गया है तो अगर उसको मेडिसिन आप बना लेते हैं उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सप्लीमेंट और मेडिसिन क्या होती है। हमारे यही सप्लीमेंट है, यही मेडिसिन है। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट अगर मैं उल्टा पूछूं क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, इतनी सारी चीजें जब प्रेगनेंसी के लिए उसमें डली हुई है तो हम क्यों नहीं दे सकते। एक गोली आप नियम से उसको दे लीजिए, एक जो कैप्सूल है दे दीजिए, लेकिन हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते, हम खुल के इस बात को नहीं बोल सकते। मैं तो सर इंग्रेडिएंट का क्या बता सकता हूँ, यूज बता सकता है ना, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसी केस, ऐसा केस होता है जहां पे बहुत सारे लोगों का इमोशनल जुड़ा हुआ, इमोशन होता है। अब इमोशन जुड़ा हुआ है, कल कोई बात हो जाती है, आप शहद भी उठा के दे देते हैं, आप नीम के पत्ते दे देते हैं उठा के, कल कोई बात हो जाती है तो सीधा वो क्या कहते हैं, इसने नीम का पत्ता दे दिया, इसीलिए ऐसा हो। इसीलिए प्रेगनेंसी के केसेस में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उसको आप डॉक्टर को भेज दीजिए, वो अपने आप टेक केयर करेगा। अगर वो देगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देंगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, समझ रहे हैं बात। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये चीज खास क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, एक्चुअली हमें करना क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका तेज पत्ता, अब तेज पत्ता में क्या खास बात होती है, एक इसके अंदर पाया जाता है कैफिक एसिड, क्या पाया जाता है कैफिक एसिड, कैफिक एसिड पाया जाता है, और एक इसमें पाया जाता है पार्थिनोल, पार्थिनोलिट। तेज पत्ते के अंदर ये दो चीज पाई जाती है, क्या पाया गया, कैफिक एसिड और पार्थिनोलिट। अब ये सबसे जबरदस्त काम पता क्या करता है, ये कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होने देता। लेडीज में हमेशा क्या होता है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को कहते हैं सर्विक्स, ये क्या है वजाइना, ये यूटेरस, और ये क्या है सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर नहीं होने देता। जो कि आज आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाके क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन लेते कि सर्वाइकल कैंसर ना हो। ये एक्चुअली जो पार्थिनोइड होता है ये कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं, ठीक है। और ये कैफिक एसिड बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कुछ नहीं होता। प्लस में तेज पत्ता क्या होता है, अगर किसी को नोज ब्लीडिंग हो गई, नाक से खून जा रहा है, आप इसको देते हैं नाक नाक से खून जाना बंद हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना अगर हो जाता है उसको ये रोकता है। प्लस में पीएमएस के लिए यूज होता है, पीएमएस का मतलब होता है प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉज जब होने लगता है लेडीज में, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने वाला होता है तो उसके अंदर कई सारे क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। ये अगर आप लेते हैं तो उसमें वो जो चेंजेस होते हैं, हॉट फ्लैशेस होना, चिड़चिड़ा बनाना है ना, कोई बहुत शांत लेडी होती है बहुत ज्यादा उग्रवादी हो जाती है, तो ये सारी चीजें उसमें नहीं। तो ये जो आपका तेज पत्ता है ये आपका वजाइनल ड्राइनेस को मेंटेन करता है, ड्राइनेस नहीं होने देता, प्लस में आपकी बॉडी के अंदर कभी भी कैंसर नहीं होने देता। और अभी हमने बताया था ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो आपको कई सारी बीमारियों से ऐसे भी हो प्रोटेक्ट। समझ आ गई बात। और नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्या है निदारी, पता ही काम आया जाता है,
जहां को भी गए थे कुछ दिन पहले। कहां गए थे घूमने? थाईलैंड। थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में ये पाया जाता है। और ये इसमें खास बात होती है, आपने देखा होगा वहां के लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। पता इसके अंदर क्या होता है जो मेंटेन रहते हैं? फाइटो एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। अब आपको पता है हार्मोन्स, लेडीज में दो हार्मोन्स होती हैं, कौन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आपने देखा होगा नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं आपको पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आप ये देखिए कि जब बुढ़ापा आने लगता है तो एस्ट्रोजन क्या हो जाता है? कम होना शुरू होता है। तो जब एस्ट्रोजन कम होने लगेगा तो लेडीज में क्या होना शुरू होगा? बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाएंगे। अनवांटेड हेयर कोई लेडीज चाहती? कोई भी नहीं चाहती। तो कहता है जी ये जो आपका ये पर्टिकुलर इसके अंदर हर्ब डाला हुआ है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है, जो एस्ट्रोजन को रिलीज करता रहता है बॉडी में। अब अंदर से अगर एस्ट्रोजन नहीं भी बना है तो ये एस्ट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर एस्ट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो फीमेल्स की ब्यूटी में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज के साथ, है ना? आपकी स्किन लटकने लग जाती है, वॉइस चेंजेस होने लग जाते हैं, अनवांटेड हेयर आने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हॉट फ्लैशेस होने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो अगर आपने सोचो ये ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो ये सारी चीजें आपके नहीं है। अब मुझे बताइए कि क्या लेडीज के लिए प्रोडक्ट है? Yes, 100%. ये नहीं है। तो जब तक हम बात फिर वही घूम के आ जाती है, जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा? विश्वास तो अभी है नहीं, क्योंकि जब जब जस्ट आपसे लोग मिले हैं नए कंसल्टेंट अगले, लेकिन अगर नॉलेज है तो नॉलेज के आगे सब कुछ फीका पड़ता है। नॉलेज मींस नॉलेज, वो आपकी चार बातें चार लाइन सुन के वो बिल्कुल से एकदम से क्या हो जाएगा? इंस्पायर्ड। यस, आपको चीजें। अब हम आते हैं बाकी प्रोडक्ट में, अश्वगंधा। क्या है? अश्वगंधा। अब देखिए अश्वगंधा नाम देखें सर क्या है, आधी बात है तो नाम में छुपी होती है हर्ब्स की। अश्व, अश्व का मतलब भी घोड़ा, इसको इंग्लिश में जिंसन भी कहते हैं। लेकिन ये सफेद जिंक्स क्या है? वो रेड जिंक्स है और ये सफेद जिंक्स। अब देखिए अश्वगंधा जो है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं? घोड़ा। घोड़ा के साथ क्या खास बात होती है? कितना ही भगा लो उससे, देखा उसको भागते हुए देखा? हाँ, जॉइंट्स बड़े मजबूत होते हैं, जॉइंट्स बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर सीधा जी तो जैसे अगर आप लेते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है? आपके जॉइंट्स क्या होने वाले हैं? और अगर जॉइंट्स मजबूत होंगे तो आपको पता है कि एक जो हमारी फैमिली लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ होती है, उसमें जॉइंट्स कमजोर हो जाए से काम चले। समझ आई नहीं है? समझ आई? अश्वगंधा में सबसे बड़ी बात है ये आपका एंटी एजिंग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुढ़ापा ना आए या बहुत लेट से आए, तो एक सिंगल हर्ब अश्वगंधा है जो बहुत जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। समझ आ गई? तो एक आपका क्या है? आपके जॉइंट्स मजबूत कर देगा। दूसरा क्या है? एंटी एजिंग, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देगा। तीसरा आपका अश्वगंधा का क्या है? सेक्स पावर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, सेक्स पावर को स्टिमुलेट करता है अश्वगंधा। और एक ऐसा हर्ब है दुनिया का जिसके लिए अगर आप गूगल सर्च मारे और वहां डाल दें साइड इफेक्ट, तो आपको वहां लिखा हुआ आएगा नो साइड इफेक्ट। आप सोच के देखिए मतलब कितना जबरदस्त, मतलब बारीकी से चीज को बनाई गई है। सिर्फ फर्क क्या है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया विद नॉलेज, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जबरदस्त काम निकल रहा
करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसका, आंवला। अब आंवला की बात अगर हम करते हैं तो देखिए आंवला का सबसे अच्छा विटामिन सी, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ विटामिन सी किसमें पाया जाता है। अब आपको पता है कि अगर विटामिन सी आपने बॉडी में इंटेक करना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया काम क्या होने वाला है, बाल आपके नहीं झड़ने वाले, बाल झड़ने वाले नहीं आपके, प्लस में स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी विटामिन सी अगर लेते हैं तो। प्लस में एक सबसे बेहतरीन काम विटामिन सी का क्या होता है, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। अब हार्ट अटैक क्यों नहीं होगा, कि विटामिन सी में क्या खास बात होती है, विटामिन सी में सिट्रिक एसिड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नींबू में भी विटामिन सी होता है, आंवला में विटामिन सी होता है, दोनों में ऐसे अलग होते हैं, ऑरेंज में भी होता है उसमें भी अलग होते हैं, टमाटर में भी होता है वो अलग होते हैं। तो मेन चीज हम विटामिन सी के ऊपर जाते हैं, विटामिन सी से जो ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो ये जम जाता है ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह कभी नहीं जाए। मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूं अपनी प्रैक्टिस के बेस पे कि अगर कोई ब्लॉकेज का केस आपको मिल जाए और आप विटामिन सी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए उसके अंदर, तो आप क्या देखेंगे कि उसका ब्लॉकेज ओपन हो जाएगा। मैं अपनी अपनी गारंटी देता हूं इस चीज की। सर पर्टिकुलर ब्लॉकेज के अंदर हम क्लैश दे सकते हैं, यानी पर्टिकुलर ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं, क्लैश दे सकते हैं देने को। तो अब हम आज फ्लेक्स ऑयल के बारे में नहीं कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर सिर्फ अगर ओवरऑल की बात करें तो ये अच्छा हब है हमारा शिवाजी को, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉकेज की बात करें तो उसके लिए तो वैसे बेटर कुछ है। अब ब्लॉकेज यहां भी हो सकती है ना, तो हम यहां पे ब्लॉकेज अगर हम फ्लेक्स ऑयल की बात करेंगे तो चलो ब्लड वेसल्स में निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास तो और भी ब्लॉकेज की जगह है ना, तो वहां पे अगर हम देखेंगे विटामिन सी अगर हम लेते हैं तो ओवरऑल आपका कहीं का भी ब्लॉकेज हो, चाहे आपका ब्लड वेसल का ब्लॉकेज हो, चाहे आपका फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो, आपका कहीं मर्जी का ब्लॉकेज हो, ब्लॉकेज निकाल देगा। तो आईज के लिए अच्छा है, बाल के लिए अच्छा है, ब्लॉकेज के लिए अच्छा है, तो मुझे लगता है आंवला बहुत अच्छा है, आंवला तो बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि आज आप लोग सिला जी तो जस्ट नहीं लेंगे है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर हमारे पास ऑलरेडी है, एक एक पार्ट बॉडी का आपको कवर हो, एक भी कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो बॉडी का कवर नहीं हो। अब एक यहां पे क्या है, अगर मैं बात करूं तो शायद मुझे लगता है सुना भी नहीं हो, लेकिन एक फैंटास्टिक हर्ब है ओबेसिटी के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ओबेसिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बेहतरीन हर्ब है। अब सोचिए मान लिया एक हस्बैंड वाइफ है, एक बहुत मोटा है एक बहुत पतला है, आपको लगता है जिंदगी बहुत अच्छी कटने वाली है, कटने वाली है कभी नहीं कटे। तो ये एक ऐसा हर्ब डाला हुआ है इसके अंदर शिलाजीत में जो आपके ओबेसिटी को मेंटेन कर, प्लस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपको ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट पेन की एक क्लास मैंने आपकी पहले ली हुई है जिसमें कितने तरह के ज्वाइंट पेन होते हैं वो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, और प्लस में ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को टीबी की प्रॉब्लम है और टीबी की दवाई चल रही है उसको, तो आप क्या दे दीजिए उसको, उठा के शिला जी दे दीजिए। अब आपको पता है टीबी की अगर टीबी की बीमारी है, ये तो स्पेसिफिक हब गला हुई, अगर टीबी की बीमारी है तो ये हमारा काम नहीं करेगा, इसमें तो पावर है किसी भी विष को बाहर निकालने का, नर विष। तो टीबी की प्रॉब्लम अगर है तो हमारे पास दो हर्ब्स होंगे, प्लस में चार क्या होंगे, एंटीऑक्सीडेंट होंगे। अब मुझे बताइए टीबी से रिकवरी होगी कि नहीं होगी, अगर टीबी को दवाई ले रहा है और साथ में आपने ये दे दिया, अगर डॉक्टर ने बोला 6 महीने में टीबी की दवाई खानी है, मैं गारंटी देता हूं 3 महीने बाद डॉक्टर दवाई बंद कर देगा, क्योंकि आपने उसको क्या दे दिया, खास हर्ब दे दिया जिसके बाद टीबी ये एंटी टीबी, प्लस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ओबेसिटी और एक खास बात है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल
और एंटीवायरल। अब मुझे बताइए, कोई भी डिजीज मॉडर्न साइंस को अगर हम देखते हैं तो कोई भी डिजीज होती थी मन डॉक्टर कहता है या तो आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, या आपको फंगल की प्रॉब्लम है, या आपको वायरस की वजह से। ये तीन वजह होती है किसी भी बीमारी की। अगर टीवी को भी देखें तो क्या होता है, ये जो आपके एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और एंटी वायरल। एड्स क्या होता है, वायरस की वजह से हो जाता है। बहुत सारे फंगल डिजीजेस आपको पता है, स्किन में बहुत सारे फंगल डिजीजेस होते हैं प्लस में बैक्टीरियल। तो अगर कहता है ये तीन, अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है जो ये तीन से प्रोटेक्ट कर दे, तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या बीमार पड़ने चाहिए। मॉडर्न साइंस कहती है बीमारी इसी वजह से होती है, और हम कहते हैं कि तीनों के अगेंस्ट में हमने यहां पे चीजें डाल रखी है तो बीमारी तो होनी नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट शिलाजीत सोचेस। इसके बाद है गोखरू, एंटी डायबिटिक। किसी को पेशाब नहीं आता, पेशाब का फ्लो सही नहीं, तो आप उसको क्या दे सकते हैं, गोखरू दे सकते। इससे आपका क्या होगा, यूरिन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। और यूरिन का फ्लो जैसे ही आपका मेंटेन होने लगेगा, प्लस ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल हार्मोन। अगर ये हार्मोन ना रिलीज हो, स्पर्म का मैचुरेशन नहीं होगा, स्पर्म का मैचुरेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं पैदा हो सकता। क्या है वो, क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। मेजर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेल हार्मोन है क्या फीमेल में होता है, नहीं होता। पूछा है मैंने आपसे, होता है, होता है कम अमाउंट। तो अगर आपके टेस्टोस्टेरोन मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, इसका मैं आपको समझा देता हूं। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है मेनोपॉज में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो खत्म, लेकिन टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा है, उसी के वजह से क्या आने लगता है, हेयर ग्रोथ होना शुरू होता है जैसे मेल में। लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अगर प्रॉपर है तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉडी के टोनिंग के लिए यूज होता है फीमेल से। समझ आ गई बात। तो और हमें पता है कि हमारे पास क्या है, थाईलैंड का हब है, अभी कहते थाईलैंड ना, थाईलैंड का हब है जो क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। तो ये मेंटेनेंस है बॉडी की, और ये खास बात है सिलाजीत ओजस पे। अब क्या है मुस्लिम, ये आपको पता है, सबको पता है, इस सबसे ज्यादा वॉल्यूम सीमन का, सीमन का काउंट, सीमन की मोर्टिलिटी, ये सारा मेंटेन कर देता है सफेद मूसली। सफेद मूसली का इंटेक अगर हम करते हैं तो सीमन की क्वांटिटी अच्छी आएगी, उसके अंदर काउंट अच्छे होंगे, प्लस में उसका मोशन प्रॉपर। तो मूसली जो है वो एक खास इंग्रेडिएंट है सिलाजीत। और नेक्स्ट क्या है, सबसे खास बात इससे पेप्टिक अल्सर, एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। बहुत ही कम हर्ब है दुनिया में जो एच पायलोरी के अगेंस्ट वर्क करता है। इवन आज मार्केट में एंटीबायोटिक्स भी नहीं है जो अल्सर को करेक्ट करे, पेप्टिक अल्सर को करेक्ट करे, ऐसा हमारे पास एंटीबायोटिक भी नहीं है। और हमारे पास क्या है, मस्ताकी जो पेप्टिक अल्सर को इसलिए ठीक करता है क्योंकि वो एच पायलोरी बैक्टीरिया को मार देता है। अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें, अगर आप चाहते हैं आपका स्टमक और इंटेस्टाइन प्रॉपर मेंटेन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इंफेक्शन ना हो, One of the good product in folic acid is what Shilajit Bolivis. Asar tak ki problem ko solve kar. Aur last mein, jo iska naam hai, wo maine likha kya? Shilajit. Isko last mein likhne ki bhi
भी वजह है। अगर आप उस डब्बे को उठा के देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शिलर। और मैंने इसको क्या लिखा? शिलर जी सबसे लास्ट। अल्फाबेटिकली भी लास्ट में आ रहा है। और अगर आप उसमें शिलाजीत की क्वांटिटी देखेंगे तो वो भी बाकी चीजों से थोड़ा कम है। तो इसीलिए सिर्फ शिलाजीत सोच के आप इसको कि गलम है, ये है, वो है, दिमाग में कई सारी बातें आती हैं, तो ऐसी बात आने की जरूरत है। तो ये आपका सबसे शानदार काम करता है सबसे पहले इसमें डायबिटीज। डायबिटीज का पेशेंट है और अगर आप उसको शिलाजीत नहीं प्रोवाइड कर रहे मतलब समथिंग इज मिसिंग इन योर डाइट चार्ट, कुछ तो है जो आप मिस कर रहे हैं। सर जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, तो उसके साथ दे सकते हैं 100% दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं अपने आप को? सप्लीमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सप्लीमेंट। दूसरा, सिलाजीत के साथ स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है, स्पर्म काउंट को जबरदस्त बढ़ाता है सिलाजीत। ज्वाइंट वो बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। अब मुझे बताइए लीवर कैंसर सिलाजीत पूरे बोर्ड को देखने के बाद, अब अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपके दिमाग में अगर कोई आता है तो वो क्या आता है? सिलाजीत। यहाँ देखिए ध्यान से फिर एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। मेंसेस की सारी प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल सारे डिजीज कवर होंगे। एकदम छोटी बात करते हैं, हमने आप इस बहुत बता दिया, अब छोटा कर देते हैं। मेंसेस की सारी प्रॉब्लम कवर होगी जी, ओबेसिटी कवर हो गया, ज्वाइंट कवर हो गया, सेक्स पावर कवर हो गया, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल सारे इन्फेक्शन कवर हो गए, हार्मोन्स कंट्रोल हो गए, बचा आपकी आंखें कवर हो गई, आपके बाल कवर हो गए, आपकी स्किन कवर हो गई। दिस इज व्हाट सिलाजीत गोल्ड।